नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टिप्स हिंदी में आप सबका स्वागत है। दूध में डालें ये एक चीज़, जी हाँ दोस्त, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी दबाएं। बचपन से ही हम सभी अपने अपने घरों में सुनते आए हैं कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, इससे पीने से ताकत मिलता है। क्या आप जानते हैं दूध पीने से शरीर और दिमाग शक्तिशाली होता है? अक्सर लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ठंडा दूध पीना सेहतमंद होता है या गर्म दूध पीना। कई लोगों को लगता है कि गर्म दूध पीना उतना सेहतमंद नहीं होता है जितना कि ठंडा या नॉर्मल दूध पीना होता है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। दूध हमेशा से कैल्शियम और प्रोटीन से कमी को दूर करता है। दूध में लगभग हर तत्व मौजूद होते हैं जो बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। इसमें विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन और पोटेशियम होता है। डेली एक ग्लास दूध पीने से आपका ताकत बढ़ेगा और इसके साथ आपका बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसे में आपको खाली दूध पीना अच्छा नहीं लगता है और यदि आपने शरीर को अधिक हेल्थी बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज है जो कि दूध के साथ हम मिला के पी सकते हैं। चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। बादाम, दूध में बादाम डालकर पीने से बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और दिमाग भी तेज होता है क्योंकि इसमें आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। जो ब्लड की कमी को दूर करना चाहते हैं और साथ साथ बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो हर रोज़ दूध में बादाम डालकर पीना चाहिए। केसर, यदि आप दूध में केसर मिलाकर पियेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। इसको पीने से दिमाग अच्छा रहता है क्योंकि इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में रहता है। केसर वाला दूध प्रेग्नेंट वुमेन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। खर्जूर, दूध में खर्जूर मिलाकर पीने से कब्ज दूर होता है और पाचन तंत्र ठीक रहता है। इसमें आयरन होता है जो एनीमिया जैसे बीमारियों से भी बचाता है। दूध और खर्जूर दोनों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जिससे बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके साथ जॉइंट पेन से भी रिलीफ मिलता है। केला, दूध के साथ केला मिलाकर सेवन करने से भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन, पोटेशियम और मैग्नीशियम मिल जाता है जो दिल के रोगों से बचने के लिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन B12 भी मौजूद होता है जो डिप्रेशन की समस्या को दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यह वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।